दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पुरानी कुर्सी पर पेंट कैसे किया जाता है। इस कुर्सी पर पहले पॉलिश हुई थी, मेलामाइन पॉलिश। अभी हमें इसको बिना उतारे, बिना रिमूव करे ही इस पर पीयू पेंट करना है। कैसे करेंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, स्टेप बाय स्टेप, और मटेरियल की जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले इसकी हमें करनी होती है सैंडिंग। सैंडिंग करने के लिए हम 150 नंबर का वाटरप्रूफ रेगमाल इस्तेमाल करेंगे और अच्छी तरह से दबा के इसकी कटाई कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से जहाँ पर पॉलिश ख़राब हो वह भी आपको अच्छी तरह से निकालना पड़ेगा। वैसे तो यह पॉलिश ख़राब नहीं है, पॉलिश ठीक ही है। वैसे तो अगर पॉलिश को उतार के पेंट करें तो ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको, लेकिन पॉलिश उतार के और पेंट करने में बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम इसी के ऊपर ही पीयू पेंट करेंगे। मैट फिनिश में हमें इस पर पीयू पेंट करना है। तो सैंडिंग लगभग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 8-10 कुर्सियाँ हैं ये, सभी की सैंडिंग हमने कर ली है। सैंडिंग करने के बाद में इसको हमें कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ करना है। ये देखिए, सैंडिंग करने के बाद में इस तरह का दिखता है आपको। ये देखिए, पूरा हमने जो भी निकलने वाला था पूरा निकाल दिया है, दबा के इसकी सैंडिंग कर ली है। कोने वगैरह पूरे हमने साफ़ कर लिए हैं। तो अभी हमें इसको कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ करना है, कहीं पर डस्ट वगैरह ना रहे। ये देखिए, कोने वगैरह भी हमने रेगमाल लगा के अच्छी तरह से बराबर कर लिए हैं। जो भी मिट्टी लगी थी वह हमने साफ़ कर ली है। और अगर आपकी कुर्सियाँ हिल रही हैं तो उसको पहले आपको सेट कराना पड़ेगा, उसके बाद में ही आपको पेंट करना है इस पर। देखिए, कपड़ा मार के इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। उसके बाद में इस पर मारना है हमें प्राइमर। पहले हम प्राइमर थोड़ा थोड़ा कलम से मारेंगे, जो जोड़ वगैरह है वहाँ पर हम प्राइमर मारेंगे कलम से, और उसके बाद में हम इसकी रिपेयर करेंगे हल्की हल्की। जहाँ पर मोटे होल होंगे वहाँ पर हम रिपेयर करेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पर थोड़े से बड़े से होल हैं, तो यहाँ हम प्राइमर को पहले कलम से मार देंगे ताकि जो प्राइमर है वो अंदर तक चला जाए इसके। ये देखिए, इस तरीके से हमें प्राइमर इसके ऊपर मार देना है। बाद में हम इस पर गन से प्राइमर करेंगे। ये रिपेयर करने के लिए हम इस पर प्राइमर मार रहे हैं कि ताकि हम इस पर रिपेयर कर सकें, यहाँ पर बड़े होल हैं। इस पर हम PU PPG पेंट, जो कि लोहे के ऊपर होता है, वह करने वाले हैं। अगर हम इस पर लकड़ी वाला पेंट मारेंगे तो बढ़िया पकड़ नहीं करता है, क्योंकि इस पर पॉलिश हुई है पहले। जो प्राइमर लोहे वाला होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत होता है लकड़ी वाली प्राइमर के मुकाबले। प्राइमर करने के बाद में इस पर हमें रिपेयर करनी है इसकी, जहाँ पर बड़े होल हैं वहाँ पर हमें रिपेयर करनी है वुड फिलर से। देखिए, वाइट कलर का वुड फिलर है, आप कंपनी कोई भी ले सकते हैं जो भी आपके यहाँ मार्केट में अवेलेबल हो। देखिए, रेडीमेड बना हुआ होता है ये। इसको आपको डब्बा खोलना है और लगा देना है जहाँ पर बड़े होल हैं वहाँ पर। छोटे मोटे होल भी इससे आप कवर कर सकते हैं, लेकिन छोटे होल के लिए हम इसमें NC पुट्टी का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम बड़े बड़े होल इसके भर लेते हैं, उसके बाद में इस पर हम NC पुट्टी से रिपेयर करेंगे। जो छोटे मोटे रह जाएंगे वो NC पुट्टी से कवर हो जाएंगे। ये देखिए, जैसे यहाँ पर है तो ज़्यादा होल थे, गैप ज़्यादा था, तो हम इस पुट्टी को उंगली से खींच देंगे दबा के अच्छी तरह से, ताकि ये अंदर तक चली जाए पुट्टी। वुड फिलर है ये, वाइट कलर का वुड फिलर। उसके बाद में हम इसकी करेंगे सैंडिंग। रिपेयर करने के बाद में जब ये सूख जाएगा तो इसकी करेंगे हम सैंडिंग। सैंडिंग करने के लिए हम इस पर अब 220 नंबर का रेगमाल लगाएंगे और अच्छी तरह दबा के लगा देंगे। ऊंचा नीचा नहीं रहना चाहिए, जहाँ पर हमने रिपेयर की है वहाँ पर अच्छी तरह दबा के लगा देंगे इस रेगमाल को। देखिए, इस तरीके से, ताकि जो एक्स्ट्रा पुट्टी लगी है वो सारी निकल जाए। उसके बाद में हमें कपड़े से इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और फिर हमें मारना है इस पर प्राइमर। ये देखिए, ये है हमारे पास PPG का बिलेक्स प्राइमर। 1 लीटर की पैकिंग है और इसकी MRP है 820 रुपये। इसके साथ में आपको हार्डनर भी मिलता है 200 ग्राम। इसमें 800 ml बेस होता है और 200 ग्राम हार्डनर होता है। और ये है इसका थिनर, PU थिनर, जो कि पतला करने के लिए होता है। ये देखिए, ये हार्डनर इसके साथ में मिलता है आपको डब्बे में। बनाने का तरीका है 800 ml बेस में 200 ml हार्डनर और लगभग 200 ml ही थिनर पड़ता है। थिनर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितना मोटा पतला आप चला सकते हैं उतना आप थिनर डाल सकते हैं।
फिर इसको कपड़े से छान के हमें स्प्रे गन में भर लेना है। अगर आपके फर्श पे टाइल वगैरह लगी है या फिर पत्थर वगैरह लगा है तो उसको आपको कवर करना पड़ेगा अच्छी तरह से, कोई कपड़ा बिछा लें या फिर अखबार वगैरह नीचे फर्श पे डालें ताकि फर्श ना ख़राब हो। हमारी ये देखिए फर्श पे टाइल वगैरह नहीं लगी है तो हम इसको साफ करके बस ऐसे ही अप्लाई कर रहे हैं। इस पर लग जाएगा थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस तरीके से पूरी कुर्सी के ऊपर हमें अप्लाई करना है यह प्राइमर। ये लोहे के लिए प्राइमर होता है, अगर आपको लोहे पे यूज करना है तो आप इसको लोहे पे भी यूज कर सकते हैं। PUPPG प्राइमर है ये। इसका हमें सिंगल कोट ही करना है, एक बार कोट करने के बाद में इस पर हमें रिपेयर करनी है, उसके बाद में आप चाहें तो डबल कोट अप्लाई कर सकते हैं, नहीं मारेंगे तो आप डायरेक्ट पेंट भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो, अगर आप यूट्यूब पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको हर प्रकार के पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा मिलती रहती हैं। अगर आप कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर आपको ई बुक खरीदनी है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पर आपको ई बुक मिल जाएगी, पॉलिश पेंट कैसे किया जाता है सारी जानकारी आपको उस ई बुक में मिल जाती है, और उसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वह लगभग 20 पेज की ई बुक है, पॉलिश पेंट करना सीखें, इस नाम से आपको ई बुक मिल जाती है। ये देखिए इस तरीके से हमें इस पर प्राइमर अप्लाई करना है। तो चलिए प्राइमर में पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, 2-3 घंटे के बाद में ये अभी सूख जाएगा तो अगला स्टेप करेंगे इसका। तो देखिए फ्रेंड्स प्राइमर कर लिया था हमने और प्राइमर सूख भी गया है प्रॉपर। अभी हमें इसके छोटे होल की रिपेयर करनी है। देखिए जैसे एक क्रैक दिख रहा है या छोटा होल दिख रहा है तो इसकी हमें रिपेयर करनी है। उसके लिए इसमें हम NC पुट्टी का इस्तेमाल करेंगे। HD कंपनी की हमारे पास है NC पुट्टी, जिसको डीको पुट्टी भी कहते हैं। देखिए ऑटो कोट पुट्टी ग्रे लोहे के लिए होती है यह पुट्टी, और यह पुट्टी एक बार जहां लग जाती है वहां से निकलती नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही मजबूत पुट्टी होती है। और जहां पर भी होल आपको दिखे वहां पर इसको भर देना है, एक दो बार आपको भरना पड़ेगा। अगर ज़्यादा बड़े होल हैं तो वहां पर आपको 2-3 बार भी भरना पड़ सकता है। ये देखिए इस तरीके से एक दो बार इसके ऊपर पुट्टी कर देंगे। अगर आप पूरे पे खींचना चाहते हैं तो पूरे पे भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरा हमारा सही है तो हम इस पर जहाँ पर होल थे या फिर क्रैक थे वहीं पर हम रिपेयर कर रहे हैं, बाकी पूरी जगह पे हम पुट्टी नहीं कर रहे हैं क्योंकि पूरा प्रॉपर सही है। ये देखिए जैसे कील के निशान भी कहीं कहीं हैं तो वह हमें पूरे भरने पड़ेंगे। पुट्टी करने के बाद में 1-2 घंटे तक इसको सूखने के लिए छोड़ना है, और उसके बाद में करनी है हमें इसकी सैंडिंग। देखिए पुट्टी हो चुकी थी हमारी और ये सूख भी गया है, अभी हम करेंगे इसकी सैंडिंग। सैंडिंग करने के लिए हम 220 नंबर या फिर 320 नंबर का वाटरप्रूफ रेगमाल इस्तेमाल करेंगे, और इसकी सैंडिंग हमें पानी के साथ में करनी है, क्योंकि यह पुट्टी ज़्यादा हार्ड होती है। अगर हम सूखा रेगमाल लगाएंगे तो यह पुट्टी कटेगी नहीं, इसलिए हमें पानी से इसको काटना पड़ेगा, पूरा बराबर करना पड़ेगा। जहाँ पर भी एक्स्ट्रा पुट्टी लगी होगी वह सारी हमें रगड़ के निकालनी होगी, और हमें सैंडिंग पूरी कुर्सी की करनी है। जहाँ पर हमने रिपेयर किया है वहाँ पर भी करनी है, और जहाँ पर रिपेयर नहीं किया है वहाँ पर भी करनी है। जहाँ पर रिपेयर करी है वहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा रेगमाल लगाना पड़ेगा, जहाँ पर रिपेयर नहीं किया है वहाँ पर आप हल्का फुल्का मार सकते हैं। उसके बाद में इस पर हम एक कोट प्राइमर और करेंगे, जो हमने पहले प्राइमर किया था PUPPG प्राइमर, वह प्राइमर एक बार इसके ऊपर और मारेंगे ताकि जो थोड़ी बहुत कमी रह गई हो वह भी दूर हो जाए। ये देखिए इतना पतला हो गया है ये, अभी हम इसके ऊपर सेकेंड कोट प्राइमर करेंगे। सैंडिंग करके कपड़े से इसको अच्छी तरह से साफ करना है, उसके बाद में ही आपको प्राइमर लगाना है इसके ऊपर। ये देखिए इस तरीके से इसके ऊपर डबल कोट प्राइमर लगा देंगे हम।
डबल कोट प्राइमर करने के बाद में इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। सूखने के बाद में आपको चेक करना है, अगर कहीं पर रिपेयर है तो रिपेयर फिर से इसकी करनी है और फिर से इसकी सैंडिंग करनी है हमें। इस बार हम 320 नंबर का रेगमाल इस्तेमाल करेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से कपड़े से हमें साफ़ करना है और उसके बाद में हम इस पर टॉप कोट लगाएंगे यानी कि पेंट का इस्तेमाल करेंगे। पेंट आप कोई भी कलर ले सकते हैं, जो भी आपको कलर करना है वह कलर आप कर सकते हैं। अगर आपको ग्लॉस फिनिश चाहिए तो आप ग्लॉस पेंट ले सकते हैं, अगर आपको मैट फिनिश चाहिए तो आप मैट पेंट भी ले सकते हैं। ये देखिए हम पेंट अप्लाई कर रहे हैं, मैट फिनिश पेंट है ये, इसमें शाइनिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, बिल्कुल डल होता है। और यह पेंट जो शाइन वाला पेंट होता है उससे महंगा मिलता है, अगर आप शाइनिंग वाला लेते हैं तो वह आपको सस्ता पड़ जाता है और मैट फिनिश जो होता है वह आपको थोड़ा सा महंगा मिलता है, 200-300 रुपये का फर्क पड़ जाता है 1 लीटर पर। यह कलर कितने का मिलेगा ये आपके कलर के ऊपर डिपेंड होता है, कलर बनाने में जो खर्चा आता है वो एक्स्ट्रा होता है, बाकी जो इसका पेंट का रेट है 1000 रुपये से 1200 रुपये लीटर तक होता है, बाकी कलर कॉस्ट एक्स्ट्रा होती है इसकी। ये हमारा कलर बना है लगभग 1400-1500 रुपया लीटर बना हुआ है, ये जो हम कलर कर रहे हैं, कलर का नंबर पता नहीं कौन सा था, मैंने देखा नहीं। कलर आप कोई भी बनवा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वह कलर आप ले सकते हैं। और इस पेंट के हमें 2 कोट करने हैं, 1 कोट करने के बाद में जब ये सूख जाएगा तो इसकी हल्की सैंडिंग करके इस पर हम डबल कोट इसी तरीके से अप्लाई कर देंगे, ये देखिए। और उसके बाद में आपको इस पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा फिनिश हो जाएगा। क्योंकि ये मैट फिनिश है तो आपको ज़्यादा बढ़िया दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, लेकिन मैट फिनिश की फिनिश ऐसी ही होती है। अगर आप ये ग्लोसी फिनिश होता तो इसमें हाई ग्लोस फिनिश होती तो आपको फ़ोन में बढ़िया दिखाई देता, कैमरे में बढ़िया दिखाई देता। तो अभी मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने सारी कुर्सी कंप्लीट कर ली है, डबल कोट इस पर मार दिया था, देख सकते हैं इस तरह की फिनिशिंग है, शाइनिंग बिल्कुल भी नहीं है इसमें, ये देखिए। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।